भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद डॉक्टर राजीव बिंदल ने नगर निगम चुनावों में मोर्चा संभाल लिया है और अपने उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने उतर गए हैं। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कनलोग वार्ड से भाजपा प्रत्याशी बृजसूद के समर्थन में वोट मांगते नजर आए और घर घर जाकर लोगों से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम में सरकार बनाने का मौका देने का आग्रह किया। इस अवसर पर उनके साथ अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि उनकी पार्टी द्वारा दिन रात एक कर प्रचार किया जा रहा है और इन 5 सालों के भीतर जो विकास के कार्य नगर निगम शिमला में हुए हैं वे कभी नहीं हो सकते थे। दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत के साथ लगे हुए हैं और जो 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ किया है, ना भूतो ना भविष्यति, भारतीय जनता पार्टी कॉरपोरेशन जो क्षेत्र है उसको बेहतरीन बनाने में लगी है। हमारी विनती है जनता से, बीजेपी की कॉरपोरेशन बनाएं, केंद्र सरकार का संपूर्ण सहयोग शिमला कॉरपोरेशन को दिलाएं। वहीं कनलोग वार्ड से भाजपा प्रत्याशी बृजसूद ने कहा कि उनके द्वारा प्रचार अभियान लगातार जारी है जिसमें उन्हें भाजपा के बड़े नेताओं का सहयोग भी मिल रहा है। वहीं आम जनता का भी काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है और लोग चाहते हैं कि वे पार्षद बन के अपने वार्ड का नेतृत्व करें। आज डॉक्टर राजीव बिंदल जी अध्यक्ष बने और पहले तो मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगी और मेरा ये बहुत ही बड़ा, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि आज डॉक्टर राजीव बिंदल जी मेरे वार्ड में आए हैं, लोगों से मिले, मेरे लिए वोट की अपील की और लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा उनके। मेरी अपने वार्ड के लोगों से अपील है कि वो 2 मई को ज़रूर वोट करने अपने बूथ पर आएँ और बीजेपी को और बृजसूद को ज़रूर वोट देंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है अपने लोगों पर।